हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा प्रियंका चोपड़ा आज अपना 35वां जन्मदिन मनाएंगी। ऐसे में प्रियंका का शहर बरेली भी उन्हें याद कर रहा है। प्रियंका को याद करने वालों में उनके कुछ नजदीकी भी हैं, जो चाहते हैं कि प्रियंका बरेली में अपना जन्मदिन मनाएं, पर प्रियंका व्यस्त होने के कारण अपने प्रशंसकों को निराश करने के लिए मजबूर हैं। बरेली शहर की तंग गलियों से निकलकर माया नगरी मुंबई पहुंचने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अपनी कला से लाखों प्रशंसकों का भले ही दिल जीत लिया है, पर उनके करीबी मित्र प्रियंका के जन्मदिन के मौके पर उन्हें संजीदगी से याद कर रहे हैं। कोई प्रियंका के व्यवहार के लिए, कोई उनके चंचल स्वभाव के लिए। प्रियंका के करीबी दोस्त के अनुसार प्रियंका को सामी कबाब खाने के साथ बैडमिंटन खेलने का शौक है। प्रियंका के करीबी दोस्त ये भी कहते हैं कि जब भी प्रियंका बरेली आएंगी, उन्हें सामी कबाब के साथ गाजर के हलवा की दावत जरूर देंगे। वहीं बरेली के कई स्कूलों में प्रियंका के बर्थडे के लिए विशेष उत्साह है। अच्छी अच्छी फिल्म बनाएगी, हम लोग भी और देख सके। बरेली से हैं वो, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे घर के पास ही रहती हो आप। मैंने आपका घर बहुत बार देखा, मेरा मन भी है मैं भी आपकी तरह एक लड़की बनूं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रियंका दीदी, आप हमारी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा एंटरटेन करती हो, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप बहुत ही फनी कॉमेडी, बहुत अच्छी मूवीज बनाएं बच्चों के लिए। जी, आज उनका बर्थडे, क्या कहना चाहोगे आप? हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू विद सो मच विशेस फ्रॉम माय साइड। प्रियंका बहुत अच्छी, आज के समय तो अब तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और हैप्पी बर्थडे प्रियंका, आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब वो यहाँ पर 11th में आर्मी स्कूल में पढ़ा करती थी, तो अपने भाई को यहाँ लेने आया करती थी, और पेरेंट्स मीटिंग में भी अक्सर आया करती थी, तो उससे मुलाकात होती थी। उसका नेचर शुरू से ही बहुत अच्छा और बिंदास लड़की, और बहुत अच्छा, और मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जीवन में खूब तरक्की करे। प्रियंका का फर्स्ट शूट करने वाली सूरी कलर लैब की मालकिन शिल्पी सूरी बताती हैं कि प्रियंका का पहला शूट उनके पति राजीव सूरी ने किया था। राजीव ने उन्हें बताया था कि प्रियंका किसी फोटोग्राफ के लिए उनके लैब आई थी, लेकिन उनके पति ने प्रियंका के पिता अशोक चोपड़ा को उनकी प्रतिभा पहचान कर शूट के लिए सुझाव दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू हर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और सेकंड थिंग, जब जिस वक्त वो आई थी, शी वाज वेरी यंग, बहुत छोटी थी और थोड़ा सा नर्वस भी रहती थी, तो आई वो सिर्फ एक सिंगल शूट के लिए थी हमारे पास, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं था। लेकिन उसकी मम्मी को बहुत क्रेज था कि आगे बढ़े और करे, बहुत क्लोज रहे हैं वहाँ पे बरेली क्लब के, वो भी मेंबर थे, हम लोग भी मेंबर थे, तो इस वजह से थोड़ा सा जान पहचान थी हम लोगों के आपस में। तो राजीव जी ने उस टाइम उनको थोड़ा सा बोला कि इसकी फिगर भी अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी उस टाइम तक बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी था, दूसरी गर्ल्स के कंपैरेटिवली अच्छा था। तो उन्होंने इसलिए उसको थोड़ा सा और डेवलप करने के लिए, फोटोशूट के लिए उसको कहा, और तब उसने फोटोशूट करवाया, बहुत अच्छा सा रिजल्ट भी अच्छा आया। सेकंड जब उसका स्टेप लिया गया, 2 या 3 दिन में हुआ था उसका फोटोशूट, जब वो सेकंड उसका डे था, तो वो थोड़ी सी तो किस्मत भी है और उसकी हार्ड वर्किंग भी है, शी वॉज वेरी टैलेंटेड और हमारी बरेली की शान है। अपने हमें भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम उसको टीवी पे या प्राइज मिलते हैं उसको, तो देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप लोगों की बातचीत होती है? नहीं, बातचीत तो नहीं हुई है, हम लोग लास्ट एक बार बॉम्बे गए थे तो मिलने गए थे, तो मिले थे, भाभी से भी मिले थे, उनकी वाइफ से भी तो मिले थे उनसे, उसके बाद ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि वो भी बिजी बहुत रहते हैं, तो इतना ज़्यादा तो नहीं रहा है। प्रियंका की किस्मत मुंबई में अपनी चमक बिखेर रही है, वहीं इसका असर उनके घर पर पड़ रहा है। प्रियंका के बरेली के घर पर केवल उनका नौकर रहता है। भले ही प्रियंका आज तरक्की की बुलंदियों को छू रही हो, लेकिन एक बात तो सच है कि कहीं ना कहीं उनकी इस कामयाबी के पीछे
उनके इन चाहने वालों की दुआओं का ही असर है। अब देखना यह है कि प्रियंका कब अपने करीबियों को एक बार मिलने का मौका देती हैं। भीम मनोहर, बरेली।